लोग कहने लगे थे उसे टीम से बाहर कर दो, लेकिन कप्तान रोहित ने किसी की नहीं सुनी। विराट के 50वें शतक के छाव में इस युवा खिलाड़ी का शतक मत भूलना इंडिया। टीम इंडिया का तुरुप का इक्का श्रेयस अय्यर, वानखेड़े में विराट के सामने आया तूफान। वानखेड़े की सेमीफाइनल की बात जब होगी तो लोग विराट के 50वें शतक की बात जरूर करेंगे, लेकिन श्रेयस अय्यर का शतक विराट की पारी के सामने बहुत छोटा नहीं हो सकता। अय्यर का शतक 150 की स्ट्राइक रेट से आया। अय्यर पर विश्व कप के दौरान प्रदर्शन का काफी दबाव था, लेकिन श्रेयस अय्यर मौजूदा विश्व कप में पिछले दो मैच में लगातार 2 शतक लगा चुके हैं। अय्यर ने बता दिया कि उन पर रोहित शर्मा भरोसा क्यों करते हैं। न्यूजीलैंड और विलियमसन वानखेड़े की पिटाई के बाद ये सोच रहे होंगे कि काश हमने 2019 में इंडिया को ना हराया होता, क्योंकि भारतीय बल्लेबाज पूरे 4 साल का हिसाब लेकर उतरे थे। रोहित शर्मा की टीम ने पहले गेंद से हिसाब लेना शुरू कर दिया और टीम का कांटा जाकर रुका 397 पर 4। बोल्ट के नट बोल्ट डिले हो गए तो फर्गुसन को फुस कर दिया गया। सेंटनर का सिस्टम हिल गया तो सऊदी की गेंद टिमटिमाती बाउंड्री के बाहर जाती दिखी। रोहित शर्मा ने आते ही बताया कि वो साल दूसरा था और ये साल दूसरा है। ये वर्ल्ड कप भारत जीतेगा, इसके पीछे है रोहित शर्मा और उनके फैसले, ये बात कोई ना भूले। रोहित के पीछे क्रिकेट एक्सपर्ट से लेकर क्रिकेट फैंस तक पीछे पड़ गए थे कि श्रेयस अय्यर को बाहर कर दो। शुरुआती मैचों में श्रेयस अय्यर चल तो रहे थे, लेकिन 30-40 को बड़े स्कोर में नहीं बदल पा रहे थे। शॉर्ट गेंदों पर आउट हो रहे थे। बस फिर क्या था, अघोषित क्रिकेट एक्सपर्ट कप्तान रोहित और टीम इंडिया के पीछे पड़ गए कि श्रेयस अय्यर टीम की कमजोर कड़ी है, उनको बाहर करो। टीम लगातार जीत रही थी इसलिए कप्तान को अपने चयन पर पूरा भरोसा था। रोहित शर्मा ने अय्यर पर दबाव नहीं आने दिया। गिल रिटायर्ड होकर बाहर गए, लेकिन अय्यर ने टीम पर दबाव नहीं आने दिया। श्रेयस ने ताबड़तोड़ इनिंग खेली, उनकी इनिंग से कोहली भी अपना समय लेकर खेल सकी। सेमीफाइनल जैसे बड़े गेम में श्रेयस की हिटिंग से टीम इंडिया 400 के करीब पहुंच सकी। जो श्रेयस अय्यर एक वक्त पर टीम इंडिया की कमजोर कड़ी थे, वो अब टीम इंडिया के मध्यक्रम की रीढ़ बन चुके हैं। वानखेड़े के मैदान में तो अय्यर जैसे और भी खतरनाक हो जाते हैं। श्रीलंका के खिलाफ भी जो मैच वानखेड़े में हुआ था, उसमें भी अय्यर ने ताबड़तोड़ 56 गेंदों में 83 रन बनाए थे। पिछले 4 मैचों में 2 अर्धशतक, 2 बैक-टू-बैक शतक अय्यर के बल्ले से आया। वो प्लेयर जिसको बाहर करने की मांग थी, चौथे नंबर पर वही अय्यर विश्व कप में अब तक 526 रन बना चुके हैं। चौथे नंबर पर खेलते हुए अय्यर का रिकॉर्ड वर्ल्ड कप में सबसे बेहतर है। सेमीफाइनल में जितनी जरूरी इनिंग विराट कोहली ने खेली, उतनी ही दमदार इनिंग अय्यर ने खेली। अय्यर ने जिस तेजी और बेरहमी से रन बनाया, उससे कीवीज का कंधा ही झुक गया। आगे जब कोई खिलाड़ी अपने बुरे दौर में होगा तो उसको सपोर्ट कीजिए, ना कि उसके खिलाफ मुहिम चलाइए, क्योंकि वो खिलाड़ी अय्यर की तरह टीम के लिए बेहद जरूरी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लीडिंग भारत टीवी।